वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। साथियों, एक्सेल वीबीए में आज हम जानेंगे चेक बॉक्स के बारे में, चेक बॉक्स को हम किस प्रकार से डिज़ाइन करें और चेक बॉक्स से हम कैसे हम एडवांस काम कर सकते हैं, ये डिटेल से जानने के लिए इस वीडियो में तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो हमने कवर कर लिया है लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स। अब नंबर आता है चेक बॉक्स का। चेक बॉक्स को ड्रा करेंगे, सेम उसी प्रकार हम चेक बॉक्स लेंगे और हमने अपने यूजर फॉर्म में एक चेक बॉक्स ड्रा कर लेना है। देखिए, मैंने यहाँ पे लेबल लिया हुआ है कमांड बॉक्स और ये लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था लिस्ट बॉक्स भी यहाँ पे है। ठीक है, चेक बॉक्स जिस हिसाब से आप लेना चाहते हैं उतना आप इसका साइज ले सकते हैं। इसको डिज़ाइन करना है तो वापस से इसकी प्रॉपर्टी में चले जाएंगे। प्रॉपर्टी के अंदर हम इसका नाम चेंज कर सकते हैं, इसका कैप्शन डाल देंगे, जो भी डालना है। फिलहाल मैं चेक बॉक्स 1 ही रखूँगा। फ़ॉन्ट आपने किस प्रकार का करना है अपने चेक बॉक्स का, फ़ॉन्ट रख सकते हैं बोल्ड या साइज़ उसका घटा बढ़ा सकते हैं। ओके कर लेंगे तो फ़ॉन्ट साइज़ इसका आ जाएगा। इस चेक बॉक्स को ये मान लीजिए मैं रखना चाहता हूँ कि हमने कोई सब्जेक्ट चुनने हैं, तो यहाँ पे चेक करेंगे कि चूज़ द सब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसके नाम के अंदर इसका कैप्शन दे देंगे हम, यहाँ पर कर देते हैं चूज सब्जेक्ट। ठीक है, कि हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कि हमने सब्जेक्ट चुनना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। और सब्जेक्ट के लिए हमने इसके कोड में डाला था, इसके मॉड्यूल्स में जाते हैं, मॉड्यूल्स के अंदर हमने देखो कोड भी लिखा था, मॉड्यूल्स में नहीं लिखा था, हमने यूजर फॉर्म के अंदर ही लिखा था। यूजर फॉर्म पर चलते हैं तो देखो लिस्ट बॉक्स के लिए हमने इसको रो सोर्स दिया था सीट 1 का A3 से A10। ठीक है, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ सब्जेक्ट को, अभी मैं डाल देता हूँ हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, राइट। इस प्रकार से मैंने सब्जेक्ट लिख लिए। वापस से हम यूजर फॉर्म में आ जाते हैं। अब रो सोर्स तो हमारा यही रहेगा, हम यहाँ से फॉर्म को चला के देखते हैं। ये वाला मैं कोड हटा देता हूँ, ये डिस्टर्ब करेगा बार बार में। देखो यहाँ पे आ रहा है ना सारा, लेकिन ये ऐसे ही आ रहा है। हम चाहें कि जो हमने अभी चेक बॉक्स बनाया है इसको और भी अच्छा डिजाइन कर सकते हैं, हम जैसा डिजाइन करना चाहें, कि जब हम इस चेक बॉक्स पे क्लिक करें, इसको चेक करें, तब हमारे पास ये सब्जेक्ट यहाँ नज़र आए, उससे पहले सब्जेक्ट नज़र नहीं आए। ये हमने कुछ खास करना है। डिज़ाइन तो हम कर लेंगे, यूजर फॉर्म में जो भी टूल्स दिए हैं उन टूल्स को लेकर के हम वो टूल ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन उन टूल्स को हम कैसे यूज़ करें वो हमने सीखना है। तो ये मैसेज बॉक्स तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि डिस्टर्ब कर रहा है बार बार में, इसको हटा देते हैं। अब हमने क्या करना है, जब हम चेक बॉक्स पर क्लिक करें तो ये डिस्प्ले हो, उससे पहले ये डिस्प्ले ना हो, नज़र ना आए हमको लिस्ट बॉक्स, तब यहाँ पे कोड लिख सकते हैं me.listbox1। ये अभी हमारे पास listbox1.visible, इसको हम कर देंगे इसकी वैल्यू फॉल्स, राइट। इसकी वैल्यू को हमने फॉल्स कर देना है, सेव करेंगे और वापस हम यूजर फॉर्म पे चलते हैं। तो देखिए अब वो लिस्ट बॉक्स नज़र नहीं आएगा, हम यहाँ पर चेक करते हैं तब भी नज़र नहीं आएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हम चेक करें तब वो नज़र आए, राइट। तब हम क्या कोड टाइप करेंगे, हम यूजर फॉर्म पे आते हैं और जो हमने चेक बॉक्स लिया है इसी के ऊपर डबल क्लिक यूज़ कर लेंगे। तो हमारे पास देखो चेक बॉक्स का कोड चालू हो जाएगा। इस कोड के अंदर हमने टाइप कर देना है me.listbox, ये लिस्ट बॉक्स 1 है, .visible=true। इसको सेव करके देखते हैं, हम एक बार यहाँ पर आएंगे, इसको रन करेंगे और इस चेक बॉक्स पे हम क्लिक करेंगे, देन लिस्ट बॉक्स आ गया। अब अनचेक करते हैं तो ये चला जाना चाहिए, है ना, नहीं गया। वापस यहाँ पे आते हैं, यूजर फॉर्म के अंदर हम एक चीज़ और बना लेते हैं कि इस लिस्ट बॉक्स का नाम भी दिखाए किस चीज़ की लिस्ट बॉक्स आ रही है ना। तब एक लेबल भी ड्रॉ कर लेते हैं हम इसके साथ। हम वापस व्यू के अंदर से टूल बॉक्स को चालू करेंगे और एक लेबल हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं इसके बराबर, ताकि लिस्ट बॉक्स का ये नाम भी बताता रहे कि ये क्या आ रहा है यहाँ पे। इसका हम कैप्शन चेंज करेंगे, इसमें डाल देते हैं सब्जेक्ट लिस्ट। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट लिस्ट। इसका फॉन्ट साइज हम थोड़ा सा बढ़ा लें, 10 का करके बोल्ड कर देते हैं, ओके कर देंगे। ठीक है, ये सब्जेक्ट लिस्ट यहाँ पे खुल जाए तो ये भी साथ साथ नजर आए। अभी देखिए मैं रन करता हूँ, यहाँ पे मैं रन करता हूँ तो देखिए सब्जेक्ट लिस्ट आ रही है, ये लिस्ट दिखाई नहीं दे रही है ना, तो लिस्ट के साथ ही ये नाम, ये लेबल भी उसके साथ ही नज़र आए। तो दोनों के लिए हम यूज़ करेंगे जैसा हमने यूज़ किया था यहाँ पे,
मी डॉट लिस्ट बॉक्स को फाल्स किया था, इसी प्रकार मैं करूँगा यहाँ पे मी डॉट लेबल वन, वन नहीं होना चाहिए, लेबल टू होना चाहिए, वन तो हमने पहले ले रखा है, डॉट विजिबल इक्वल टू फॉल्स, ठीक है, सेव करेंगे। अब देखते हैं इसको हम चालू करके, मेथड और डाटा मेंबर नॉट फाउंड, हमने यहाँ पे जो लेबल टू दिया है ये फाउंड नहीं हो रहा है, ये देखते हैं लेबल कौन सा है। सबसे पहले इसको स्टॉप करते हैं, वापस यहाँ पे आते हैं, लेबल लिस्ट पे जाते हैं, ये लेबल ही है, लेकिन हमने कहाँ पे गलती करी होगी, हमने ये गलती करी है, एल ए बी एल ई कर दिया, ये एल ए बी ई एल होगा, ठीक है। वापस आते हैं अब यहाँ पे, इसको रन करते हैं हम, तो देखिए अब वो लेबल भी नज़र नहीं आ रहा, चेक करते हैं इसके ऊपर, अब लिस्ट तो आ गई लेकिन लेबल नहीं आया, क्यों नहीं आया आप समझ गए होंगे कि हमने एक जगह तो इसको विजिबल कर दिया लेकिन दूसरी जगह पे, यहाँ पे हमने लेबल को ट्रू नहीं किया। हम यहाँ पे कर देते हैं मी डॉट लेबल वन टू, लेबल टू डॉट विजिबल इक्वल टू ट्रू, ये भी सही हो गया, ठीक है। इसको भी हम देख लेते हैं एक बार, देखो ये भी सही हो गया, दोनों एक साथ आ रहे हैं। अब हमने क्या करना है, हमने इसको अब अनचेक करते हैं, तो ये यहाँ से हाइड भी होना चाहिए, राइट। तब देखिए हम यू पे यूज़ कर लेंगे जो हमने यहाँ पे बनाया है, इसको हम ऊपर आएंगे इस लाइन के ऊपर और इधर हम टाइप करेंगे इफ़ मी डॉट चेक बॉक्स, कौन सा ना चेक बॉक्स हमारा, इसकी डॉट वैल्यू इक्वल टू ट्रू, यदि ये हमने चेक कर दिया इसकी वैल्यू ट्रू है, देन क्या आ जाए, देन हमारी लिस्ट बॉक्स और लेबल दोनों शो हो जाए, एल्स दोनों हाइड हो जाए तो हम दोनों को फॉल्स कर देंगे। मी डॉट लिस्ट बॉक्स वन डॉट विजिबल इक्वल टू फॉल्स और मी डॉट लेबल वन नहीं टू डॉट विजिबल इक्वल टू फॉल्स, हमने दोनों को फॉल्स कर दिया और लास्ट में हम कर देंगे एंड इफ, बस। अब यहाँ पे हम चला के देखते हैं, हम जैसे ही को फॉर्म फिल कर रहे हैं, हमने सब्जेक्ट चूज़ करना है, वैसे सब्जेक्ट नहीं आ रहे नज़र, हम यहाँ पे करेंगे सब्जेक्ट चूज़, देन अब हमारे पास सब्जेक्ट लिस्ट भी है और सब्जेक्ट भी आ रहे हैं। यदि हम इसको अनचेक करते हैं तो दोनों चीज़ें हमारी हाइड हो जा रही है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने चेकबॉक्स लिया और चेकबॉक्स का हमने किस प्रकार से यूज़ किया, सिर्फ यही यूज़ नहीं है, ये मैं आपको सिर्फ बेसिकली बता रहा हूँ, अभी जब हम यूजर फॉर्म पे काम करेंगे तो हम इनको और एडवांस लेके जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए बेसिक सीख लेना ज़रूरी है। अब यूजर फॉर्म का एक टूल और बचा है, सिर्फ एक वीडियो और आएगा, फिर हम आपको यूजर फॉर्म पे काम करना बताएंगे, राइट। आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट्स में बताएं, हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें, और यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।